हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो मैं आज आप सब प्यारे स्टूडेंट्स के साथ क्यूब रूट फाइंड करने की एक टेक्निक शेयर करने वाला हूं। बहुत सिंपल टेक्निक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, मेरा नाम है रमनदीप सिंह, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। क्यूब रूट फाइंड करने से पहले आपको ये जो क्यूब्स हैं, पहले 10 नंबर्स के, ये आपको याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है। क्यूब बोले मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तीन बार मल्टीप्लाइड होता है तो ये 8 होता है। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये अपना 27 बनता है, इसका मतलब होता है क्यूब, राइट? तो ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो शायद अभी तक आपको ये सारे याद होंगे। तैयारी शुरू की अगर हफ्ता भी हुआ है तो भी मैं मानता हूं कि आपको ये सब याद होंगे, बिगिनर्स को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले एक और चीज देख लीजिए यहां पे कि नंबर, देखिए नंबर 1 2 1 का जो लास्ट डिजिट है, क्यूब देखिए और नंबर देखिए। 1 का जो क्यूब है वो 1 है, लास्ट डिजिट 1 है। 2 का 8 है, ये 3 का 7 है, 4 का फिर से 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है। तो लास्ट डिजिट में ये देखने वाला, देखिए भी जो 1 4 5 6 9 0, इन नंबर्स का जो लास्ट डिजिट है क्यूब्स का, वो नंबर से मैच करता है। देखिए 1 4 5 6 और 9 और एंड में 10, इनका जो लास्ट नंबर है क्यूब का वो सेम है। 4 का 64 यहाँ पे, 5 का 5 यहाँ पे, 6 का 6 यहाँ पे, तो मैच करता है। लेकिन 2 और 8 और 3 और 7 का फ्लिप करता है। 2 का देखिए 8 है और 8 का 2 है। इसी तरह से 3 का जो क्यूब है उसका लास्ट डिजिट 7 है और 7 वाले का 3 है। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 40,656 का क्यूब रूट अगर आपको फाइंड करना पड़े, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए या अप्रॉक्सीमेशन का, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको इसका जी क्यूब रूट फाइंड कर रहा है। क्यूब रूट स्क्वायर तो बड़ी इजीली फाइंड हो जाता है, लेकिन क्यूब रूट में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में ही आपको यह करवा रहा हूं। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, पहले लास्ट का नंबर देखिए, 6 है एंड यहां पे लास्ट डिजिट इज 6, तो नंबर लास्ट का नंबर होना चाहिए 6, तो ये जी हो गया 6। और लास्ट के 3 नंबर्स को आप भूल जाइए। एक बार आपको लास्ट डिजिट मिल गया, आपको अपना जो पहला डिजिट है, लास्ट डिजिट आपको अपना मिल जाता है, तो इसको आप भूल जाइए। अभी आप ध्यान दीजिए 46 पे ध्यान दीजिए। 46 कहां पे स्टैंड होता है, 27 से बड़ा है लेकिन 64 से छोटा है। तो ऑब्वियसली हम पिछले वाला नंबर उठा लेंगे 36। तो जी 36 है ये जो नंबर, 36 का क्यूब 46,656 बनता है, या 46,656 का जो क्यूब रूट है वो 36 है, और ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया है। एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको ये टेक्निक और आसानी से समझ आए। 7,53,571, बहुत सिंपल तरीके से करिएगा। ये 3 नंबर को अलग से कर लीजिए और ये 3 नंबर अलग से करेंगे। लास्ट के 3 नंबर अलग से करने हैं और बाकी का जो नंबर है उसे अलग से करेंगे। 571, अभी ये 1 देखिए, लास्ट डिजिट 1, ये 1 हो गया। चलिए इसका तो 1 हो गया, इसको छोड़िए, लास्ट के 3 डिजिट भूल जाइए। अब 753 कहां पे स्टैंड करता है, 753 729 से बड़ा है लेकिन 1000 से छोटा है, तो यहां पे ऑब्वियसली आपको 9 लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली 9,729 प्लस कुछ अमाउंट है जो 753 तक तभी पहुंचता है, तो ऑब्वियसली 91 जो है हमारा आंसर है। बहुत सिंपल टेक्निक है, आप खुद से ट्राई कीजिए। कैलकुलेटर अगर आपके पास होगा, किसी नंबर का आप क्यूब फाइंड कीजिए, फिर उसका क्यूब रूट फाइंड करने की कोशिश कीजिए, आसानी से घर पर ट्राई कीजिए इस टेक्निक को। 571,787, इसका क्यूब रूट अगर मुझे फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो लास्ट के 3 डिजिट देखिए 787 हैं,
जो लास्ट का नंबर है सात, अभी सात तो इसका जो नंबर है वो होना चाहिए थ्री, इसका जो क्यूब है वो सेवन में है, तो इसका क्यूब रूट जो है उसका नंबर होगा थ्री, तो मैंने थ्री पकड़ लिया। और 571 कहाँ पे स्टैंड करेगा, 571 आएगा आठ से ऊपर, नौ से छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 83। 83 हमारा जी आंसर है, यहाँ से हमने 83 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्यूब रूट फाइंड करना है आपको 21,952 का। यहाँ पे देखिए पहले ये तीन नंबर देखने हैं आपने और फिर ये आगे के 21। अभी 952 है, लास्ट नंबर है 2, 2 यहां से पकड़ लिया, लास्ट नंबर क्या है हमारा 2, तो क्यूब रूट का लास्ट नंबर होगा 8, बस स्विच कर देना है आपको। और 21 कहां पे स्टैंड होगा, यहां पे, तो यहां पे आ जाएगा 28। 28 हमारा आंसर है। तो आज की ये टेक्निक यहीं पे मैं खत्म करता हूं, तो घर पे इसको ट्राई कीजिए, चार पांच नंबर्स का खुद से ट्राई करके देखिए, बहुत आसान सा ट्रिक है। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स लॉजिक्स मैं शेयर करता रहूँगा आने वाले टाइम में। एंड प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, कुछ लोग डिसलाइक कर देते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट कीजिए। एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी PDFs हैं जिनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एंड ये IBPS PO मेगा प्रेप सीरीज है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। IBPS PO मेगा प्रेप कोर्स है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, तो मैं अपनी ईमेल आईडी भी आप सबको दे देता हूँ, raman@bankexamstoday, ये मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप में से किसी ने मुझे कांटेक्ट करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी टाइम पे मुलाकात होगी। चलिए, थैंक यू।